होप यू विल बी फाइन। लेट्स कम। अब बेटा आज दोपहर में काफ़ी डिस्टरबेंस रहा। मॉर्निंग में तो हमने जानबूझ करके आपका क्लास 11 बजे नहीं रखा, क्योंकि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था, कॉन्क्लेव था न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। फिर दोपहर का वक्त रखा तो तब टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगे, तो इसलिए मैंने शाम को कर दिया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज का करंट अफेयर्स है, उसमें आपका 16 और 17 जुलाई के बारे में पढ़ेंगे। 16 जुलाई के बारे में पहले पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ चुके हैं, थोड़ा बाकी है, सुनना है। 16 जुलाई का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग डिफेंस मिनिस्ट्री, 1 मिनट बेटा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने परमिशन दिया है मिलिट्री को कि 300 करोड़ रुपए तक के अपनी जरूरतों के हिसाब का डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन्स खरीद सकते हैं विदाउट मिनिस्ट्रीज अप्रूवल। यानी रक्षा मंत्रालय ने हमारी सेनाओं को सेना से संबंधित उपकरण और हथियार खरीदने के संदर्भ में 300 करोड़ रुपए तक के हथियार उपकरण खरीद के लिए मंजूरी प्रीवियसली दे दी कि इसके लिए आपको मिनिस्ट्री से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन परचेज देन एंड देयर। यानी क्योंकि मिनिस्ट्री का अप्रूवल, इट विल टेक टाइम, मंथ टू 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, बट इफ नीड यू कैन डू। 300 करोड़ रुपए तक। अब आइए, ईरान में चाबहार जो है वह एक क्या है, पोर्ट है, और वो पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं। उसके कुछ पार्ट हमने डेवलप कर दिए हैं, ऑपरेशंस गोइंग ऑन है, कुछ पार्ट का डेवलपमेंट होना है और हो रहा है। और उसी चाबहार से हम रेलवे लाइन को डेवलप करके ईरान के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक लेके जाएंगे, और उस रेल रूट से अफगानिस्तान ईरान का भी ट्रेड और हमारा भी ट्रेड डेवलप होगा। क्योंकि पाकिस्तान हमें यह रास्ता नहीं दिया है, तो हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान अपने मित्र देश की तरफ पहुंचना चाहते हैं, ताकि उसके विकास में हम मददगार साबित हो सके। इसी में थोड़ा डिले चल रहा था, तो जिसको लेकर के चाइना के फेवर में आकर के ईरान ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और कहा कि हम चाबहार से इनको फिर निकाल बाहर कर देंगे, क्योंकि बहुत डिले चल रहा है डेवलपमेंट का, हम अपनी पूंजी से कर लेंगे। पूंजी तो उनकी कुछ भी नहीं है, जो पूंजी है उस किसकी है, चाइना दे रहा है 20 लाख करोड़ के आसपास की पूंजी, तो ये चीज है। चलिए बात करें आगे। इंडिया डेवलपिंग दिस, ठीक है, सप्लाई लाइन विद अफगानिस्तान एंड मुंबई टू मॉस्को अंडर नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल रोड कॉरिडोर दैट क्रॉसिंग फ्रॉम ईरान वर्किंग इंडिया एंड ईरान टुगेदरली। सही बात है, जो बात मैंने कहा, ज्यादा नहीं, चाबहार कहां है ये ध्यान रखना है, ये ईरान में है। भारत इस पोर्ट को डेवलप कर रहा है, ठीक है, जो काउंटर करेगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अरब सागर के तट पर चीन के द्वारा जो डेवलपमेंट हो रहा है एक पोर्ट का, जिसका नाम है ग्वादर। तो ग्वादर का ये जवाब है। अब आइए, फार्मा कंपनी जायस कैडिला कोविड वैक्सीन, जिसका नाम है जायकोव डी, जो ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, ठीक है, भारत बायोटेक कोवैक्सीन, इन दोनों का। तो हमारा फार्मा कंपनी जो है जायस कैडिला, उसकी एक मेडिसिन है जिसका नाम है जायकोव डी, और एक जो है, ठीक है, दूसरा कोवैक्सीन, ये दोनों का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, ठीक है, ये तो बार बार हम लोग सुन रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। एयर इंडिया स्कीम 5 ईयर्स लीव विदाउट, ठीक है ना, लीव छुट्टी विदाउट पे टू स्टाफ एंड पायलट ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, हायरली प्राइवेटाइजेशन इट इज वॉलेंटियर्स, बहुत सिंपल। एयर इंडिया ने अभी एक स्कीम निकाला है जिसके तहत एयर इंडिया के स्टाफ, स्पेशली पायलट और स्टाफ, अगले 5 वर्षों के लिए अवैतनिक, बिना वेतन के छुट्टी ले सकते हैं। 5 वर्षों के बाद उसे वापस बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, बुलाया सकता है। तो 5 वर्ष तक आप विदाउट पे छुट्टी ले सकते हैं, काफी लिबर्टी लग रहा है। लेकिन एक्चुअली एयर इंडिया लगभग 78,000 करोड़ रुपए के
घाटे में चल रहा है आज से नहीं करीब 10 वर्षों से। इसे बेचने की कोशिश होती है, बेच नहीं पाती, कोई लेने वाला नहीं। एक बार लेने वाला था टाटा, पर बाकी लोगों ने टाटा को लेने नहीं दिया, तो टाटा ने अपना जो है विस्तारा निकाल लिया सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर के। फिर एयर एशिया में भी आ गया और दो एयरलाइंस उसके पार्टनरशिप में चल रहे हैं, जबकि इंडियन एयरलाइंस उसी का था जो 1932 में सेटअप किया था मुंबई में और 1953 में इसे भारत सरकार नेशनलाइज कर दी और एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस नाम दे दी। अब जा करके चूंकि इंडिगो फेल हो गया, किंग फिशर फेल हो गया, एयर इंडिया खबारे में गया, कोविड ने सबको बर्बाद कर दिया, कोई मिल ही नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग खरीदने के इच्छुक हैं तो कहते हैं इसका प्राइस कम करिए, लाइबिलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा है और इतने सारे स्टाफ हैं, स्टाफ में कमी करिए। तो ये सब बहाना है, निकाल देगा, निकाल देगा। जैसे हम आप हमें 5 साल के लिए कोई छुट्टी देगा कि 5 साल बाद है, मतलब क्या है? अब कोई मतलब नहीं, तब तो ठीक है, अब अपना कहीं पर नौकरी ढूंढें, कहीं नौकरी ढूंढेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इन दैट रिस्पेक्ट क्या होगा, अब कोई बोली लगा के उस कंपनी को ले सकती है। तो इसके लिए बेचने की कवायद चल रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात है, यही चीज़ है। तो किस एयरलाइंस ने अभी 5 वर्ष के लिए अवैतनिक छुट्टी की घोषणा की है अपने पायलट और स्टाफ के लिए? एयर इंडिया ने। बस अगला, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेटअप इन 1977 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना धीरू भाई अंबानी ने की और अभी इसका 43वां एनुअल कॉन्फ्रेंस था, जनरल मीटिंग एनुअल 43वां, बिल्कुल। अब इसमें मुकेश अंबानी ने ये डिक्लेयर किया कि हम एक जियो ग्लास गॉगल्स, एक्चुअली क्या है उसका नाम, 3D गॉगल्स लाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा जियो ग्लास। वो एक तरह का गॉगल्स है, लेकिन यहाँ गॉगल्स नहीं है, ये ऐप है, फोन ऐप है। इट इज़ प्रोवाइड वर्चुअल क्लास रूम टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये टीचर और स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लासरूम देगा। इट इज़ अ लेंस हैड वीडियोज कॉलिंग एंड मीटिंग, तो एक 3D टेक्नोलॉजी पर वीडियो कॉलिंग ऐप है जिससे आप आराम से क्लास ले सकते हैं। और याद करिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 25% वेटेज ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन को दिया गया है। समझ रहे हैं, तैयारी पहले ही है, कौन कौन हड़पेगा, पर डायरेक्ट ये कभी नहीं आएगा, देखिएगा इनडायरेक्ट आएगा, ये चीज है। KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन के 2020 के 10th क्लास का रिजल्ट आउट हुआ और इसमें जो KVS के विद्यार्थियों का पासिंग परसेंटेज हुआ 99.23, हाईएस्ट इन CBSE। जितने भी CBSE को चलाने वाले अलग अलग संस्थान है, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो, कस्तूरबा स्कूल हो, CBSE affiliated कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, और KVS डायरेक्टली खुद क्यों ना हो, सभी में पासिंग परसेंटेज हाईएस्ट 99.23 KVS का रहा 10th क्लास का। और KVS के वो बच्चे जो सबसे ज्यादा अंक लेके आए वो है हमारे अभय नाइक और ठीक है ना, जो संभलपुर के हैं, और 500 मार्क्स में 497 मार्क्स लेके आए संभलपुर उड़ीसा के, ठीक है, क्या नाम है उनका, अभय नाइक। सेकंड जो रहा टोटल परसेंटेज ऑफ टॉप में आफ्टर KVS डायरेक्टली, सेकंड इज जवाहर नवोदय विद्यालय रहा, थर्ड पे कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आइए, KVS के तहत जोन होता है, त्रिवेंद्रम जोन, बिहार जोन, यूपी जोन, जितने स्टेट हैं जोन होता है, तो जोन वाइज जो टॉप रहा, ध्यान रखिए टॉप एरिया जोन वाइज त्रिवेंद्रम 99.28% रहा त्रिवेंद्रम जोन के 10th क्लास के CBSE बच्चों का। सेकेंड नंबर पे चेन्नई रहा, थर्ड पे बैंगलोर, तीनों साउथ इंडिया, फोर्थ पे पुणे रहा, चौथा भी साउथ इंडिया। तो त्रिवेंद्रम है, चेन्नई है, बैंगलोर है, पुणे है, ये चार चारों साउथ इंडिया के रहे और चार चार स्टेट को दिखाता है, चार जोन है, ये टॉप पे रहे। CBSE दिल्ली का जो है, देखते हैं टॉपर स्टूडेंट्स है, वो 499 अंक लाया है 500 में, जिसका नाम है श्रीजा छाबरा, श्रीजा छाबरा है, ये ध्यान रखना। अब आइए, ये 12th क्लास में लाई है इतना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। IIT दिल्ली मेड कोर स्योर, कोरोना स्योर, कोरोना का मेडिसिन लेके आई है,
श्योर आप ठीक हो जाएंगे. कोरो श्योर मेडिसिन दैट्स डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली फॉर कोविड पेशेंट्स ट्रीटमेंट. ठीक है, इट विल गिव द 85 मिनट्स रिजल्ट्स. तो ठीक है, तो ये यार कोविड पेशेंट को टेस्ट करेगा. तो कोरो श्योर किट, इस किट से तुरंत जो है जांच हो जाएगी कोरोना है या नहीं, और 85 मिनट लगभग डेढ़ घंटे में आ जाएगा रिपोर्ट कि आप COVID-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो ये क्या टेस्ट किट है, कोरो श्योर आईआईटी दिल्ली. वेस्ट टू वंडर पार्क, बेटा दुनिया के जो 7 सरप्राइज थिंग्स हैं, 7 आश्चर्यजनक 7 वंडर्स है, ताजमहल है, एफिल टावर है, माचू पिचू है, एंड सो मेनी थिंग्स. तो ये 7 वंडर जो है, ऐसा दिल्ली के सराय काले खां के पास, दिल्ली के सराय काले खां के पास राजीव गांधी स्मृति वन है. राजीव गांधी की डेथ के बाद एक स्मृति वन लगाया गया था. उसी वन के भीतर में मेरे ख्याल से 100-150 जो भी है एकड़ के दरमियान एक स्पेशल हेरिटेज टाइप से पार्क बनाया गया है, जिसमें कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन, जो जंक आयरन है, उन चीजों से वेल्ड करके दुनिया के जो 7 वंडर्स स्मारक हैं उसको रेप्लिका के तौर पे, प्रतिकृति के तौर पे डिजाइन किया गया है. तो ये 7 वंडर्स पार्क के रूप में जाना जाता है, जो वेस्ट मटेरियल से बना है और जो 2-3 साल पहले पूरा हो गया, अब जो है पब्लिक के लिए इसे ओपन कर दिया गया. पब्लिक इसे देखने जाती है, इसको कहते हैं वेस्ट टू वंडर पार्क. वेस्ट टू वंडर पार्क दुनिया के 7 सरप्राइज वाले चीजें हैं और वेस्ट मटेरियल से बना है, याद रखिएगा. और ये सराय काले खां के पास दिल्ली में राजीव गांधी स्मृति वन के भीतर ही है और ये 2019 में पब्लिक के लिए ओपन हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है. और 7 वंडर्स हैं, जंक मटेरियल्स हैं, और ये दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है. इसकी एंट्री फी 50 रुपये है और अगर संडे को जाते हैं तो 100 रुपये है. इसमें आप बर्थडे पार्टी, शूटिंग, इस तरह की चीज़ें, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. उसके लिए आपका एक काउंटर है जहाँ चाय पानी वगैरह ये सब चीज़ का अपना ले जा सकते हैं, कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको 3 मंथ बिफोरली बुकिंग करवानी पड़ेगी और ये 12,000-18,000-25,000 के आसपास का फीस है, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए. ये समझना, कोई शूटिंग करना चाहता है पिक्चर का, फोटोग्राफी करना चाहता है, कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, तो हॉल नहीं है, ओपन. बुकिंग जो है 16 जुलाई, सॉरी ये तो हो गया आपका, ठीक है. तो ये वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ है, यही सवाल है. अब आइए बैंकिंग में. बैंकिंग के संदर्भ में हम बात करें बेटा, तो 16 जुलाई 1661 को स्वीडिश बैंक ने नोट इशू किया था. यूरोप में पहला नोट था जो कंटिन्यू नहीं चला, लेकिन आज अगर पूछे सबसे पुराना करेंसी तो ब्रिटिश की जो है पाउंड स्टर्लिंग है, जो ओल्डेस्ट है, जो आज भी चल रही है. अब आइए पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का 35वां स्थापना दिवस अभी 15 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ. इसका मतलब 1986 में एस्टैब्लिश्ड हुआ. इट इज लाइक ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड ग्रीन बॉन्ड. याद रखिएगा हमने सीधा क्या कहा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत सरकार का एक नवरत्न कंपनी है. नवरत्न, नॉट मिनी रत्न, नॉट महारत्न, नवरत्न कंपनी है, जिसका 35वां स्थापना दिवस हो चुका है. अब आइए अब हम बात करते हैं केरल सरकार के तहत. देखें तो केरला में एक गोल्ड स्मगलिंग स्कैम डेवलप हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला डिसमिस्ड हो चुका है, ठीक है. और याद रखिएगा उसमें बहुत सारे लोग फंसे हैं और ये केस आज भी चल रहा है और हम कंटिन्यू आपको 15-20 दिन से उसके न्यूज को फ्लैश कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं. अब आइए अब हम बात कर रहे हैं 2021 का जो कुंभ मेला है वह हरिद्वार उत्तराखंड में लगेगा. हरिद्वार उत्तराखंड में 2021 का कुंभ मेला लगेगा
और कुंभ मेला जनवरी महीने में ही लगता है, तो कुंभ मेले के लिए अब आपके पास 5 महीने बच गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा अगस्त और आधा जनवरी, तो 5 महीने बाद कुंभ मेला लगेगा हरिद्वार में। एक्टर बोमेन ईरानी के बारे में बात करेंगे, पर 2 मिनट का ब्रेक। हाँ बेटा वापस आ जाइए, मैं कुछ इंस्पायरेशनल बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर एग्जाम बेहतर जाएगा, जुनून पैदा होगा, ये मैं बात कर रहा हूं। एक्टर है हमारे एक बॉलीवुड के, बोमेन ईरानी, बहुत सारे मूवीज में हैं। इन्होंने उम्र के 44वें वर्ष तक होटल में वेटर का काम करते थे, चाहे वो 5 स्टार 3 स्टार हो या जनरल होटल में वेटर का काम करते थे। और आज इतने सारे फिल्म, 3 इडियट्स के प्रोफेसर साहब की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा हिम्मत कभी नहीं हारना है, पर लगन बनाए रखना है। अवसर भगवान देते हैं और आप आगे बढ़ जाइएगा, अवसर को कैच करने के लिए पहले ही से तैयार रहिए। मालूम है आपको अक्षय कुमार यानी राजीव भाटिया ऑलरेडी क्या थे, वेटर थे, खानसामा थे, कुक थे, खाना बनाते थे, सैफ थे, सैफ, और कहां से कहां पहुंच गए। आज वो 25 करोड़ रुपए यूं दान करते हैं कोविड में। सीपी कृष्णन जो अपने रिटायरमेंट की उम्र के बाद 60 साल के बाद उन्होंने बंबई में अपना पहला होटल खोला और आज वो होटल पहुंच गया लीला होटल। पूरे भारत में 15-20 लीला होटल, 5 स्टार होटल है। कहां से यात्रा शुरू किए, कहां पहुंचे, तो हिम्मत कभी नहीं हारना है। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, जो फोर्ड मोटर के मालिक हुए, फोर्ड कंपनी जो 1903 में अपना पहला कार उतारी थी, 1886 में बेंज आया था मर्सिडीज जर्मनी में, मिस्टर बेंज ने बेंज कार उतारी थी और 1903 में फोर्ड मोटर ने अपनी पहली कार उतारी थी, वही मैं हेनरी फोर्ड की बात कर रहा हूं। जनाब वो हेनरी फोर्ड ने बड़ी अच्छी बात कही, धैर्य और विश्वास हर एक असंभव कार्य को संभव बना देता है। तो किसी ने पूछा, तो हम छलनी में छेद वाले बर्तन में पानी कैसे ले जाएंगे, बस धैर्य रखो जब तक वो जम न जाए। सजाए, दिस इज द रियलिटी, ये धैर्यता का प्रकाष्ठा है, याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्य योजना,
ARYA, आर्य स्कीम, इसका मतलब हुआ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर. अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ, युवा इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना. अट्रैक्ट करो, बनाए रखो कृषि में किसको, युवाओं को. तो भारत सरकार का जो एक स्कीम है ARYA आर्या, जिसमें भारतीय युवाओं को एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करते हुए उसे रिटेन करना है. क्या? तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि आधारित रोजगार दिलाने की योजना है. देश के 720 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित जो किया गया उसे लागू करना है. 100 एग्रीकल्चर साइंस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, इससे आगे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में करना है. ईच सेंटर 100 to 120 यूथ विल ट्रेन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. सो दीज आर द गुड स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. और आज हम तो चूंकि किसान के पुत्र रहे हैं, तो किसानी करते भी हैं. ये अलग बात है कि 5 लाख का फिर इस बार बिहार में बाढ़ से हमारा नुकसान हुआ है, पर वो सब का होता है, हमारा भी हुआ, रोना किस बात का. तो हम तो देखते रहते हैं वीडियोस, पॉजिटिव नेगेटिव सारे वीडियोस. तो एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं. और आपका मालिक खुद है, नौकर खुद है, मस्ती से जी लीजिए, किसी को जी हुजूर करने की जरूरत नहीं है. अब आइए नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड बैंक गारंटेड 5,500 करोड़ रुपीज टू इंडिया फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए. कोविड के ख्याल से वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को इस वजह से 5,500 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, ठीक है. अब आइए सुगर मिल में जो चीनी के प्राइस होते हैं वो भारत सरकार तो तय नहीं करती, पर दोनों बातचीत करके एक फिक्स्ड रेट तय करती है कि उसे भी नुकसान ना हो, फायदा मिले, किसानों को भी गन्ना का फायदा मिले. क्योंकि अगर रेट कम होगा चीनी उद्योग में चीनी का, तो चीनी उद्योग वाले किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं देंगे. तो अभी जो है बढ़ाया गया है चीनी का प्राइस, ज्यादा नहीं 2 रुपए, 31 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपए पर केजी चीनी किया गया है. अब आइए 15 जुलाई 2020 को गोल्ड अगेन ऑन हाईएस्ट प्राइस. आप भी जानते हैं गोल्ड का प्राइस हर दिन आगे बढ़ रहा है, और हमने बहुत पहले भी कहा था कि ये प्राइस जो है जाएगा 58, 59, 60, 61, 62 हजार तक, लेकिन वो वापस हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक 55, 52 के पास, और नवंबर के बाद ये 50 के आसपास, चाहे 51 पे रहे या 49 पे रहे, इसी के आसपास रह जाएगा. देखिएगा उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, बताएंगे बाद में. अब आइए नेक्स्ट हमारा है MUL, मारुति उद्योग लिमिटेड ने, अपने 1,34,885 वैगन आर कार और बलेनो कार को वापस मंगा लिया है फैक्ट्री में, क्योंकि उसके बैड फ्यूल पंपिंग को ठीक करना है. ये सब कैट मैट जैसे एग्जाम में आता है, BBA MBA के एंट्रेंस एग्जाम में आता है, मैनेजमेंट बॉडी के एग्जाम में ये आता है कैट मैट में. अर्थात कौन सी कंपनी ने अपना 1,34,000 कार को बाजार से वापस लिया है, उसके जो फ्यूल पंपिंग सिस्टम है उसमें खराबी आने की वजह से, जिसे फिर वो वापस ठीक करके दे देगा. होंडा, दायवू ये सब करती रही है, मारुति भी पहली बार ये की है, ठीक है. अब आइए PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव टू परचेज NBFC बॉन्ड ऑफ 14,667 करोड़ रुपीज वैल्यूज इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर. केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों को ये निर्देश और आदेश दिया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जो बॉन्ड हैं, जो कमर्शियल पेपर हैं, उसे आप परचेज कर लीजिए और उसे पैसा दीजिए, ताकि जो ये टाइम जो है
जो इन्वेस्ट किया है एनबीएफसी में उसका पैसे को रिटर्न करने का टाइम है, और अगर नहीं रिटर्न करेगी तो फेल हो जाएगी, तो आप उसके बॉन्ड को परचेज कर लीजिए। समझ में आई बात? ये चीज है। अब आइए, अब हम रिलायंस की बात करेंगे, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विद गूगल गोइंग टू बी मेक एंड्रॉइड 4G 5G फोन एट चीप रेट, यानी जियो जो है, रिलायंस जो है वो और गूगल मिल करके भारत के लिए 4G 5G का चीप लेवल का थोड़ा सस्ते कैटेगरी का फोन बनाने जा रही है, और 2G को मुक्त करेगी। भारत को वो 2G से मुक्त करना चाहती है और 5G 4G बनाएगी, ठीक है। और लगभग जियो के 35 करोड़ उपभोक्ता हैं। हाँ बेटा, अब आगे आई। तो मैंने ये कहा, क्लाउड बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है, जिसमें अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, टारगेट जीरो कार्बन इमिटिंग टिल 2035। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की जो रिलायंस पेट्रोलियम है, वह दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी बन गई है, जो ऑयल को, पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है। यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट बन गई। जामनगर जो उसका कैंपस है बहुत बड़ा है, कैपेसिटी सबसे ज्यादा रिफाइन करने की हो गई। गौर फरमाएं, और इसने टारगेट किया है कि रिफाइनरी से जो कार्बन इमिट होता है 2035 तक जीरो कार्बन ले आएंगे। बड़ी अच्छी बात है ये चीज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अरमाको, अरमाको जो एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री कंपनी है, वो रिफाइनरी कंपनी तो है, लेकिन वो पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती है, एक्सपोर्ट करती है, रिफाइनरी भी चलाती है, मोबिल ऑयल वगैरह वगैरह सब मिलती है। वो सबसे बड़ी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। सेकेंड नंबर पे रिलायंस हो गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, रिलायंस पेट्रोलियम। वो पूंजी के आधार पर देखेंगे, टोटल मार्केट कैपिटल के आधार पर। यहां है रिफाइनरी की कैपेसिटी के आधार पर, ये आपकी वर्ल्ड की नंबर वन हो गई, रिलायंस पेट्रोलियम। क्लीन एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी विल बी यूज। अब ये क्लीन एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी को यूज करेंगे अपने इस फैक्ट्री के। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो जामनगर रिफाइनरी है, उसकी कैपेसिटी 13.6 लाख बैरल एक डे, यानी 13.6 लाख बैरल एक दिन में रिफाइन करने की कैपेसिटी है। अर्थात 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर, 159 लीटर इज इक्वल टू 1 बैरल होता है। अब आइए, हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे, पर डिफेंस मिनिस्ट्री है ये सब, और लगभग 3 ही पॉइंट है, लेकिन कोई बात नहीं है, 3 पॉइंट है तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल से क्या टाइमिंग इसकी रखी गई थी, ठीक है, 2 है, पढ़ ली। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नई योजना लागू किया कि जो लोग हमारे मिलिट्री में एक्सीडेंटली विकलांग हो जाते युद्ध के दौरान या शांति काल में, तो उनको जो है विकलांगता के आधार पर देखते हैं कि उन्हें साइन कर दिया जाता था। और रूल कहता है कि जो कोई भी मिलिट्री में, इंडियन मिलिट्री में 10 वर्ष तक काम किया है, उसके बाद रिटायर होता है, तो उसे पेंशन मिलेगा टिल लाइफ। 10 साल से पहले ही अगर रिटायर्ड हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, एक्सीडेंटली अगर वो अपाहिज हो गया है, विकलांग हो गए, दिव्यांग हमारे हो गए हैं,
तो उनको एक मुआवजा तो मिल सकता है लेकिन पेंशन नहीं मिलता था। इट वॉज वेरी रॉन्ग, देश के लिए तो इतना बनता है उसका। तो अब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने कर दिया क्या, 10 साल से पहले भी अगर कोई विकलांग हुए हैं तो उनको भी पेंशन मिलेगा, ठीक है। आशक्त पेंशन अब 10 वर्ष से कम सेवा पर भी लागू होगा। आशक्त मतलब जो हमारे पैरालाइज्ड हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, ऐसे सेना अगर 10 वर्ष नौकरी किए बगैर ही विकलांग होकर निकले हैं तो उन्हें भी पेंशन मिलेगा। अब है आपका एक मैगजीन है लेसेंट, इसने एक रिपोर्ट जारी किया है और कहा है कि 2048 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ हो जाएगी और 2100 में ईस्वी में जाकर जनसंख्या कम होकर के 109 करोड़ पर आ जाएगी। उस वक्त भी वो भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश रहेगा, चीन से भी आगे रहेगा, ऐसा उसका रिपोर्ट है। ज्यादा तवज्जो नहीं देना है पर हां। अब आइए बेटा, बाकी नहीं, अब जो है 17 जुलाई की बात है। 17 जुलाई रिमेनिंग रह गया, कल बात करेंगे, आज संभव नहीं हो सकता, कल 17 जुलाई की बात करते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।